सरकार 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के जरिए अर्थव्यवस्था में जान डालने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन हालात फिलहाल ठीक होते नजर नहीं आ रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग यानी एमएसएमई सेक्टर सरकार की तमाम योजनाओं के बाद भी देश आर्थिक मुसीबत से उबरता नहीं दिखाई दे रहा, जिसका सीधा असर लोगों के रोजगार पर पड़ने वाला है और बेरोजगारी बढ़ने वाली है। विश्व साइकिल दिवस के दिन जब देश की 69 साल पुरानी एटलस कंपनी बंद हुई और 1000 से ज्यादा कर्मचारी बेरोजगार हुए, तो विपक्ष ने सरकार की रणनीति को लेकर खूब सवाल पूछे और अब हालात देखकर लग रहा है कि विपक्ष का रोजगार के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने का सिलसिला लंबा चलने वाला है, क्योंकि 72% एमएसएमई को लगता है कि अगर उन्हें कारोबार सही तरीके से चलाना है तो उन्हें निश्चित तौर पर छटनी करनी पड़ेगी। दरअसल ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन यानी AIMO ने 9 उद्योगों निकायों के साथ साझेदारी में एक सर्वे किया था, जिसमें पता चला कि सिर्फ कुछ फीसदी एमएसएमई अपने कर्मचारियों को बिना हटाए कारोबार को आगे बढ़ाएंगे। सर्वे की रिपोर्ट की माने तो एमएसएमई सेक्टर को पुराने बकायों के अलावा नए ऑर्डर मिलने में भी दिक्कत हो रही है। 32% उद्योगों को वेतन देने की चिंता है। 20% उद्योगों का कहना था कि मौजूदा मैन पावर के साथ उनके लिए काम करना महंगा होगा। 15% ने नए ऑर्डर में कमी आने और इतने ही लोगों ने कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर चिंता जताई। खुद का कारोबार करने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता EMI पेमेंट को लेकर है। दरअसल जो लोग खुद का कारोबार करते हैं उनके लिए पहले किए गए काम का भुगतान हासिल करने में दिक्कत हो रही है, साथ ही नए ऑर्डर भी नहीं मिल पा रहे हैं। जो ऑर्डर मिल रहे हैं उनमें सही दाम नहीं मिल रहा है। आपको बता दें, एमएसएमई सेक्टर को लेकर अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी ने भी एक सर्वे किया था, जिसमें पूर्णबंदी के दौरान दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और पुणे में 70% रोजगार में कमी दर्ज की गई थी। एमएसएमई सेक्टर की हालत देखकर साफ है, इस सेक्टर में बड़ी संख्या में लोगों के रोजगार पर काले बादल मंडरा रहे हैं। देखना होगा सरकार लोगों के लिए रोजगार के कौन से नए जरिए तलाशती है या फिर लोगों की नौकरी बची रहे इसके लिए क्या रणनीति अपनाती है। DB Live की रिपोर्ट।